ये चक्कर जी, इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ चौहा खालसा और ये पुराने पुल को जी तोड़ने का काम शुरू हो गया, जो बेहतरीन हो गया जी। पहले हमें लग रहा था शायद ये पुराना पुल ना तोड़े, लेकिन अभी ये चक्कर जी इस तरफ जी सरिया वगैरह जो पुराने पुल के अंदर से निकल रहा है उसका वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और साथ साथ निकाल भी रहे हैं। अच्छा खासा जी अभी पीस तोड़ चुके हैं। आज सुबह जी इसके तोड़ने का काम का आगाज़ किया गया, अभी सेंटर से तोड़ हैं जी। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। तो हाजिर जी रोड की एक नई अपडेट के साथ, शाहरा कश्मीर यानी कश्मीर रोड लड़ियाल तक रोड बन रही है, इसकी अपडेट के साथ इस वक्त जी मौजूद हूँ चौहा खालसा और जो पुल बन रहा था चौहा खालसा का जी, इस रोड का सबसे बड़ा पुल जो है उसका काम मैं पहले बता चुका हूँ जी, इसका काम शुरू हो चुका है। तो आज ही इस पुल के रिलेटेड काफ़ी बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि जी पुराना पुल जो बना हुआ था चौहा खालसा का, उसको तोड़ने का जी काम का आगाज़ कर दिया गया है। साथ में नए पुल की बेस वगैरह तो बन रही है, पिछले दिनों मैंने वीडियो अपलोड की थी आप लोगों को दिखाया था कि ये नए जो पुराना पुल है उसकी मरम्मत का भी हल्का काम कर रहे थे, लेकिन अभी जी बेहतरीन किस्म का जी पुराने पुल को तोड़ने का काम शुरू हो गया। तो अभी इससे जी ये क्लियर हो गया कि नया पुल जी पुराने पुल के ऊपर भी नया पुल बनेगा जी। पहले यूँ लग रहा था कि एक साइड शायद इसकी ना बनाएं, जो पुराना पुल है उसको नीचे से वो मरम्मत वाला करें और दूसरी साइड जो है वो बनाएं। तो अभी जी इसका काम शुरू हो चुका है तोड़ने का, तो इसकी जगह भी नया पुल भी बनाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को वक्तन फवक्तन अपडेट करते रहेंगे इस तरफ से। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक है जी, तो खाने वगैरह की। आज मौसम जी धूप तो नहीं निकली, खैर हल्के से बादल छाए हुए, तो इसलिए थोड़ा मौसम आप लोगों को थोड़ा व्यू थोड़ा सा जी रुंधला सा नज़र आ रहा होगा। तो खैर जी पुल के करीब भी चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चक्कर जी इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ चौहा खालसा और ये पुराने पुल को जी तोड़ने का काम शुरू हो गया, जो बेहतरीन हो गया जी। पहले हमें लग रहा था जी शायद ये पुराना पुल ना तोड़े, लेकिन अभी ये चक्कर जी इसको तोड़ने का काम जारी है। अभी इस पुल के ऊपर से रास्ता बंद है जी आने जाने के लिए, जो नया रास्ता बनाया गया था जी कच्चा सा ये इस्तेमाल हो रहा है। और बाकी चेक करें जी नए पुल की जी बेस वगैरह तकरीबन बन रही है और ये सामने आप लोग सरिये वगैरह लगे नजर आ रहे होंगे, ये नई बेस बन रही है और ये पुराने पुल को जी तोड़ रहे हैं। अभी बेहतरीन काम जारी है, वहां को लग रहा था शायद इलेक्शन के बाद काफी टाइम काम डिले रहेगा, लेकिन नहीं जी बेहतरीन काम दोबारा जी रोड का बेहतरीन काम शुरू हो चुका है और इस पुल का भी जी बेहतरीन काम शुरू हो चुका है जी। अभी मैं ऊपर से भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये चेक करें जी नीचे पानी कितना खड़ा हो गया जी, बारिश वगैरह हुई है पीछे पिछले दिनों, तो अभी पानी इतना ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रहा, सारा उस साइड से क्रॉस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो गया यहाँ पर। ये चौहा खालसा का पुराना पुल है जिसको भी तोड़ा जा रहा है जी। तो अभी ये जी पुल के ऊपर से रास्ता बंद कर दिया गया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, और इस पर मिट्टी का ढेर लगाया गया जी कि प्रॉपर जो है वो रास्ता पुल के ऊपर से जाने का जी बंद रहे। मैं अभी आप लोगों को जी क्रेन के पास जाके दिखाता हूँ। ये चक्कर वो सामने जी क्रेन लगी है जो कि तोड़ या पुल को, पुराना जो रास्ता नया बना हुआ जी बाईपास सा निकाला हुआ जी, कच्चा रास्ता बना हुआ है, रोलर वगैरह चला हुआ है, उसके ऊपर अभी ट्रैफिक चल रही है। पिछले दिनों मैंने इस पुल की वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, तो मैंने बताया था जी कि बेस का काम जारी है एक साइड पे और अभी दूसरी साइड पर जो मेन पुराना पुल बना हुआ जी इसको तोड़ने का जी काम जारी है। चेक करें ट्रैफिक उस साइड से चल रही है, अभी मैं क्रेन के पास आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। अच्छा खासा पीस जी अभी पुल का तोड़ चुके हैं और बाकी भी मजीद भी तोड़ेंगे पूरा पुल ही, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो अभी ये चेक कर सकते हैं आप, पानी इस तरफ जी अच्छा खासा जी खड़ा हो गया अभी, क्योंकि खुदाई वगैरह काफ़ी हो चुकी है नाले के अंदर। सरी नाले का नाम है जी चौहा खालसा। और ये चेक करें अभी बेस वाली साइड से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करें जी नीचे बेस वगैरह बना रहे हैं इस तरफ और पुराने पुल के ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, ये पुल को तोड़ रहे हैं जी अभी, और अच्छा खासा पुल का पीस जी तोड़ भी चुके हैं, सरिया वगैरह निकाल रहे हैं साथ साथ। ये चेक करें जी इस तरफ जी सरिया वगैरह जो पुराने पुल के अंदर से निकल रहा है उसका वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और साथ साथ निकाल भी रहे हैं। अच्छा खासा जी अभी पीस तोड़ चुके हैं, आज सुबह जी इसके तोड़ने का काम का आगाज़ किया गया, अभी सेंटर से तोड़ हैं जी और अभी उस साइड पर जा रहे हैं चौहा खालसा जी इस तरफ, क्रेन बैक जा रही है जी तोड़ते हुए, और फिर इसके बाद दोबारा इस साइड पर तोड़ना शुरू करेंगे।
अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सरिया वाला जी पुल के अंदर से बिल्कुल सामने आ चुका है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक हो। तो ये जी अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा जी दीवार वगैरह इसकी जो पुराने पुल की ये तोड़े सरिया वगैरह अच्छा खासा जी पड़ा हुआ है। इस पुल की काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी थी जी, बहुत पुराना पुल था ये। तो अभी आवाम के लिए जी बेहतरीन अपडेट इस तरह से ये है जी कि इस पुल को जी कम्प्लीटली नया बनाएंगे। इसके लेंथ और विड्थ वगैरह मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ आप लोगों को जी, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप लोग जाकर देख सकते हैं। ट्रैफिक से अंदाज़ा लगा लें आप लोग जी कितनी हैवी ट्रैफिक चलती है इस तरफ। और अभी जो बाईपास बनाया गया जी, कच्चा सा रास्ता बनाया गया रोलर वगैरह चला के, अभी उसके ऊपर से ट्रैफिक वगैरह चल रही है। इस तरफ से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी ट्रेले वगैरह, और पुल के ऊपर से बिल्कुल ट्रैफिक बंद है उस तरफ से भी जी। सीधा करें इस तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं ये आगे करके जी, ये यहाँ पर और मज़ीद इस तरफ भी जी, पुल के दोनों साइड पर जी मिट्टी के ढेर लगा दिए गए हैं ये इस तरफ। चेक करें जी, और पानी गुजरने के लिए जी ये दो पाइप डाले गए हैं वक्ती फिल वक्त जो है वो टेम्प्रेरी सा काम किया गया पाइपों की मदद से, अच्छा खासा पानी इस तरह से गुजर रहा है जी। अभी बारिशें वगैरह पिछले दिनों हुई थी एक दो दिन ही, उसकी वजह से अच्छा खासा पानी पीछे भी खड़ा हो गया। अभी आगे जो जगह जहाँ पर ज़्यादा गहरी होगी थी तो वहाँ पर भी पानी अच्छा खासा खड़ा हो गया जी, इस तरफ नजर आ रहा होगा आपको। और बाकी इस तरफ से जी पानी उस तरफ से जी इस तरफ को आ रहा है, और ये चेक करें आगे यहाँ से गहरा हम लोग बोलते हैं जी, ये पत्थर और रेत वगैरह मिट्टी वगैरह मिक्स होती है सारी, यही उठा के आगे पीछे रोड की जहाँ पे बुराई वगैरह करनी होती है वहाँ पे बुराई वगैरह कर रहे हैं। और इस तरफ जी ये क्रश वगैरह और रेत वगैरह के ढेर लगे हुए हैं जी ये रोड वालों के जी, ये यहाँ से उठा के जी आगे रोड में जहाँ पर इनको इस्तेमाल करना हो तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जी। और बाकी अभी लेबर वगैरह जी नमाज वगैरह की ब्रेक है और खाने वगैरह की, तो अभी दोबारा यहाँ पर काम शुरू होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी डेली आप लोगों को इस तरफ से अपडेट करते रहेंगे पुल का काम कहाँ तक होता है। तो ये चेक करें जी, सरिया वगैरह मोटा जो सरिया होता है जी अच्छा खासा जी यहाँ पे डला हुआ है इस पुल के अंदर। ये विड्थ से अंदाज़ा लगा लेंगे आप कितना चौड़ाई ये यहाँ पर जी ऊपर बनाया गया था, काफ़ी मजबूत लग रहा है जी ऊपर सरिये की मदद से मजबूत लग रहा है। मैंने नीचे आप लोगों को दिखाया जी पुल की जो नीचे की दीवारें थी वो काफ़ी हद तक जी कमज़ोर हो चुकी थी, इनकी काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी थी। तो अभी बेहतरीन अपडेट है जी इस तरफ से आवाम के लिए जी, पुल का बेहतरीन काम जी शुरू हो चुका है। तो ये जो ये पुराने पुल के तोड़ने का काम तो जारी है, अभी उस तरफ से पुल के आप लोगों को दिखाऊं जी जो एक साइड बनाने का काम शुरू किया गया था। पहले तो ये बताया जा रहा था जी कि शायद एक साइड इस तरफ से बना के फिर दोबारा नई साइड तोड़ना शुरू करें, लेकिन अभी जी इनका इरादा मेरे ख्याल से बराबर दोनों साइडों को लेके चलने का। ये चेक करें बेस वगैरह तो बन गई थी तकरीबन काफ़ी हद तक, ये नीचे बेस आप लोगों को बनी नज़र आ रही होगी जी, कंक्रीट वगैरह डली हुई है इस तरफ भी और उस तरफ भी, अच्छी खासी ये बेस बन चुकी है। और अभी यहाँ पर सरिया वगैरह भी खड़ा कर दिया गया, जैसे ये नज़र आ रहा होगा सरिया खड़ा है यहाँ पर पुराने पुल के अंदर भी, जिस तरह का सरिया यहाँ पर दीवारों के अंदर खड़ा था, और उसके ऊपर जी सरिये का बेड बिछा के कंक्रीट वगैरह कर देते हैं जी। तो ये चेक करें जी अभी दोनों साइडों पर जी काम इसका जी शुरू हो चुका है, और अभी यहाँ पे पुल की जी डबल साइड बनेगा पुल जी, वन वे नहीं होगा शायद, पहले पुल जी अच्छा खासा तंग था। और जैसे पहले मैंने काफ़ी दिन पहले एक वीडियो में बताया था जी जो पुल बन रहा था जी के वादी होटल के करीब और मोड़ा दयाल के करीब, तो उस पुल की जी जो साइड सेफ्टी वाल होती है जी वो नहीं बनाई गई थी। इस पुल की पुराने पुल की जी सेफ्टी वाल वगैरह नहीं थी, लेकिन अभी उम्मीद है जी इस नए पुल की जी सेफ्टी वाल वगैरह जी बेहतरीन करके बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। बाकी ये सामने वाले साइड भी चौक हालसा इस तरफ और इस तरफ भी जी, ये नाला है जी पीछे सारा नाला है, और ये कंप्लीट आप लोग व्यू देख सकते हैं इस तरफ जी कलर सेदा वाले साइड पे जा रही है रोड, और बाकी ये नाला पानी ऊपर वाले साइड जी इस वाले साइड से जी इस तरफ को जाता है। तो अभी जी क्रैन यहाँ पर ब्रेक है थोड़ी सी, पहले मैंने दिखाया जी कि उस तरफ जी क्रैन मैंने दिखाया था जी काम कर रही थी यहाँ पर तोड़ रही थी। तो अभी चेक करें जी सरिया वगैरह यहाँ पर अच्छा खासा जी सरिया डला हुआ था, लेकिन पुल के नीचे बेस थी जो दीवारें वगैरह बनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी जी। तो इस अल्हम्दुलिल्लाह जी बेहतरीन अपडेट है आवाम के लिए, और बेहतरीन काम हो जाएगा इस पुल का जी, अच्छा खासा लंबा पुल है जी उस तरफ से लेकर जी यहाँ से लेकर और इस तरफ तक। और कारपेट का काम जी मैं पहले कई वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कारपेट, ये पीछे घर जो नज़र आ रहे हैं जी इस तरफ तक कारपेट का काम जी मुकम्मल हो चुका है, और आगे कारपेट का काम जी अभी इंशाल्लाह जब शुरू होगा इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे।
तो कुछ आवाम को यूँ लग रहा था शायद ये अभी इलेक्शन के बाद काम स्टॉप हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन अपडेट है इस तरह से जी, बड़ी बेहतरीन खबर है आवाम के लिए जी कि काम वगैरह जी बिल्कुल नहीं रुका, नालियाँ वगैरह भी बन रही है कुछ जगहों पर और कारपेट काम जी बंद हो चुका है, उसकी भी इंशाल्लाह अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कारपेट काम जी कब तक दोबारा शुरू होगा, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करेंगे। और बाकी ये पुल का मैंने कहा जी आप लोगों को आज अपडेट कर दें कि पुल कहाँ तक पहुँच जाए और क्या सूरत हाल है इसकी, और ये कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पर खड़ी है ये, तो अभी इस तरफ से थोड़ा सा हिस्सा रहेगा बेस बनाने का, तो ये भी बनाएंगे। तो ये जी सामने चौक खालसा की आबादी सारी सरिया वगैरह जी अच्छा खासा इस पुल से निकल रहा है, और अभी देखें ये सरिया दोबारा इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, तो बाकी उस तरफ से जी बेस बन चुकी है, पानी अभी सारा जी उस तरफ से गुजर रहा है, इस पुल के बेस के ऊपर से नहीं गुजर रहा, तो पानी के गुजरने के लिए बेहतरीन रास्ता बनाना पड़ेगा जी इनको, नहीं तो पानी जी अपना रास्ता खुद बना लेता है, तो उसकी वजह से जी वो काफ़ी हद तक जी पुल को जी डिस्टर्ब करेगा। तो अभी देखें जी इंशाल्लाह साथ साथ वक्तन फ़ोक्तन इसकी तरफ से अपडेट लेते रहेंगे और आप लोगों को साथ साथ आगाह करते रहेंगे। और अभी क्रेन जी थोड़ी देर रुकी गई है ब्रेक के लिए, खाने वगैरह की ब्रेक, तो खैर ये थी इस तरफ से जी अपडेट जी चौक खालसा वाली साइड से, पुल का काम जी बेहतरीन जो है वो शुरू हो चुका है, बेहतरीन तोड़ने का काम भी जारी है। तो खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जी हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, अगर वीडियोज़ हमारी पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ जाके फॉलो कर लें, और कमेंट में लाजमी बताइएगा जी आप हमारी वीडियोज़ कहाँ से देखते हैं, अगर आप पाकिस्तान के बाहर से देखते हैं तो ये भी लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान में जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं जी उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की जो है वो हौसला अफजाई का, आप लोगों की मोहब्बत का, तो इंशाल्लाह जी हम कोशिश करते रहेंगे तो आप लोगों को जी कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो जो जो काम होता रहे उसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो खैर इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।